नाबार्ड के तत्वावधान में 18 से 20 दिसंबर तक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में लगाए गए शरद मेला में स्टॉल लगाने वाले महिला समूह के दुकानदारों ने कहा कि मेला और प्रदर्शनी के दौरान उन्हें अपने उत्पादों को बाजार मिला है। मेले में अच्छी बिक्री हुई है और संभावना है कि उनके उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में उनकी बिक्री और भी बेहतर होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों ने कहा, बैग का कैसे बनाती है इसको? हम लोग एक जैसे कि एक सदाना गर्भ सेंटर हम लोग खुला है, वहीं पर हम लोग 150 बच्चियाँ दिव्यांग, हम लोग वहीं पर काम करके सिल के अपना करते हैं। तो कुछ बिक्री हुआ यहाँ पे? हाँ सर, बहुत हुआ है बिक्री। कितना आमदनी होता है आपको? कितना हो जाता है महीने में? कुछ हो जाता है सर? 3,000-4,000 ऐसे कुछ हो जाते हैं। अच्छा, उससे क्या करती है सर? उससे जैसे कुछ जैसे काम लगा देती हूँ, कुछ घर के खर्चे में, कुछ अपने लिए भी रख सकती हूँ ताकि इधर उधर आ जाए, कुछ काम में भी लगा सकती। दीपिका सिंह, मेरा स्टॉल है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, ये मेरा स्टॉल है। सर इसमें मेरा बिक्री हुआ है समथिंग 4,000 समथिंग। प्रदर्शनी लगा इसके बाद जी, इसके बाद सर नेक्स्ट मेरा यही है कि महोत्सव में महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें और अच्छा से अच्छा अपने चीज़ों को और जो है डिटेलिंग में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सर ये सब जो है हैंडमेड है, हैंड हाथों के द्वारा ये सारा जो है पेंटिंग है, स्केचिंग है और ये क्राफ्ट, ये सारा हाथों से करते हैं, जितना अपना एफर्ट लगा सके उतना देते हैं सर, ताकि चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सके और उनको पसंद आ सके। मंदिरों का जो फूल वेस्ट हो जाता है उसी फूल से अगरबत्ती धूपबत्ती फूल बनाते हैं और औरतों को ट्रेनिंग देते हैं जो कि आत्मनिर्भर अपना छोटा ही पैसा ले रहे हैं, 5,000-10,000 रुपया में अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। तो गाय के गोबर के दिए बनाते हैं, गमले में उसका ट्रेनिंग देते हैं, अचार मुरब्बा जैम जेली सॉस सब चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं। 20,000 औरतों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, कुछ औरतें इसमें आत्मनिर्भर बन चुकी है, अपना बिजनेस खड़ा कर चुकी है। नवार्ड मेला का शरद मेला लगा, स्टॉल लगा हुआ है। स्टॉल यहाँ हमारा सैनिटरी पैड है, फिनाइल है, मास्क बैग हो गया, इसमें उलन कपड़े हो गए जो औरतें बनाई हुई हैं, हल्दी चौनप्राश ये सब कुछ औरतें हमारे बना दी है, उसी का स्टॉल लगा। सर की तरफ से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सर का अगर आदेश खुद ही करना पड़ता तो इतना बड़ा मेला सर के लिए एक बार बहुत जोरदार। ऐसा तो कुछ बिक्री वगैरह का नहीं है अभी, लेकिन हाँ एक औरतों का कम से कम जान पहचान बढ़ रहा है, कुछ कर पा रही है यहाँ पे आने पे, कुछ तो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे निराश हो जाते हैं लोग, हाँ इसका सेलिंग नहीं हुआ तो फिर क्या करें, तो देख के थोड़ा सा अच्छा और अच्छा। मेरा नाम ये हल्दी मसाले और अचार के स्टॉल लगे हुए हैं, ये हाथ के बने हुए हैं जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और बनाते हैं, फिर स्टॉल ऐसे जगह जगह लगाते हैं ताकि हम लोग को आप लोग से भी सहयोग मिले। हमारे सर लोग आते हैं, देखते हैं, ले जाते हैं और ऑर्डर भी मिलता है हमको। जी जी जी, 3 दिन के मेले लगे हुए थे, 3 दिन में कुछ तो आया है। रश्मि रंजन, सर हम लोग का मेन चीज़ तो है सेनेटरी पैड है जो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में जो पैड मिल रहा है उससे औरतों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग का जो पैड है सर उसमें दवा भी मिली हुई है और मार्केट के पैड से बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि जितना अधिक हो सके लोग इसका, जो लड़कियाँ हैं जो औरतें इसका इस्तेमाल करें ताकि उन लोग की जो लाइफ है वो आगे जाके सेफ हो जाए।